नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पुस्तकालय के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक था एकेडमिक लाइब्रेरी। उसके भी तीन टाइप थे, एक विद्यालय पुस्तकालय, एक कॉलेज पुस्तकालय जिसे हम लोग महाविद्यालय पुस्तकालय कह सकते हैं, और एक सबसे लास्ट है विश्वविद्यालय पुस्तकालय जिसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप प्रीवियस पेपर के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे लाइब्रेरियन के, तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें लाइब्रेरी के जितने भी प्रकार हैं, अगर उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख लेंगे। और दोस्तों, अगर इंडिविजुअल किसी लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होगी, तो आप उसे इंडिविजुअल लिखेंगे, जिसके लिए मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, ये टॉपिक अगर ख़त्म हो जाता है तो मैं उसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आप लोगों को सुविधा होगी, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप अधिक से अधिक ये वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई हिंदी में कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा प्राप्ति में विश्वविद्यालय मुख्य भूमिका निभाते हैं। हम लोगों को पता है दोस्तों कि जब भी उच्च शिक्षा ली जाती है तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी मिलती है। शिक्षण के अतिरिक्त शोध विचारों की संरचना व्यवस्था संबंधित कार्य करता है। शोध कार्य विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है, जो उसको महाविद्यालय से अलग करता है। विश्वविद्यालय में अभीष्ट विषय पर विशेष अध्ययन और अधिकार ज्ञान विकेंद्रीकरण का यह मुख्य केंद्र है। ज्ञान की संरक्षण और विकास विश्वविद्यालय शिक्षा पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 20 विश्वविद्यालय थे, अब इसकी संख्या 222 तक पहुँच चुकी है। शिक्षा के क्षेत्रों में बहुआयामी प्रगति ने विश्वविद्यालय की उपयोगिता में वृद्धि ले ली है। शिक्षा के उद्देश्यों का क्रियान्वयन हेतु निम्न चार बातें आवश्यक हैं। अब दोस्तों, ये जो मैं डिफिनेशन पढ़ा, इसका देखिए मूल मतलब क्या है कि विश्वविद्यालय जब स्वतंत्रता से पहले मात्र 20 विश्वविद्यालय थे, अब ये 222 हो गई है, बढ़ गए। मतलब कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे अभी टाइम बीतता चला जा रहा है, यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सा बात है कि लाइब्रेरी की भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी का कितना बड़ा रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट वो पार्ट है यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी। जैसे लाइब्रेरी को लाइब्रेरी को किसी भी संस्था, एजुकेशन संस्था का हृदय कहा जाता है, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए, वो चार जो मैं आपको जो चार पॉइंट है वो क्या है, योग्य छात्र, शिक्षक, प्रयोगशाला और पुस्तकालय। तो अभी हम लोग पुस्तकालय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग डिटेल में जानकारी ले रहे हैं, ताकि अगर आप वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई भी टॉपिक छूटेगा। हाँ, एग्ज़ाम में जो दोस्तों क्वेश्चन आती है वो इतना लॉन्ग आपको नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए इसमें मैं सारा टॉपिक कवर कर रहा हूँ कि वहाँ के कर्मचारी के बारे में चर्चा करेंगे, उद्देश्य के बारे में, लक्ष्य के बारे में। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको वैसा ही आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए इन प्रथम तीनों के लिए पुस्तकालय का होना आवश्यक है। जैसा देखिए दोस्तों, योग्य छात्र, शिक्षक, प्रयोगशाला, ये तीनों के लिए पुस्तकालय का होना आवश्यक है। पुस्तकालय के बिना न तो छात्र अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं, और ना ही शिक्षक कारागार ढंग से अध्यापन का कार्य कर सकते हैं, और ना ही प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य किया जा सकता है। प्रायोगिक कार्य के लिए सैद्धांतिक अध्ययन होना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि देखिए बिना लाइब्रेरी का ना ही कोई टीचर बेस्ट पढ़ा सकते हैं, ना ही कोई छात्र पढ़ सकते हैं, और ना ही लाइब्रेरी का कार्य किया जा सकता है। जो भी रिसर्च होते हैं या फिर जो भी लाइब्रेरी में काम होता है, वो एक लाइब्रेरी जो बुक होती है वो बुक से पढ़ के ही किया जाता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी का देख सकते हैं आप महत्व। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय के रूप में किस तरह कार्य करता है, और उसके बिना विश्वविद्यालय निष्क्रिय सा क्यों लगता है, इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के कार्यों को जाना जाए। यह भी जानना आवश्यक है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय की लक्ष्य प्राप्ति किस प्रकार सहयोग प्रदान करता है। जैसा कि दोस्तों मैं बोल चुका हूँ, और आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान का हृदय पुस्तकालय होता है। अब देखिए विश्वविद्यालय के कार्य, M.R. विल्डुन और M.S. टॉवर के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कार्य बताते हैं। देखिए जो
विशेषज्ञ हैं, लाइब्रेरी का जो रिसर्च होता है तो वहाँ पे बहुत सारे विद्वान लोग अपने अपने तर्क देते हैं। तो M.R. विलरून ये क्या तर्क दिए हैं, देखिए, ज्ञान और विचारों का संरक्षण। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और अपने शोध द्वारा प्रचलित और नवीन ज्ञान एवं विचारों का संरक्षण करता है, फलस्वरूप ज्ञान का क्षेत्र दिन पर दिन विकसित होता जा रहा है। ज्ञानवाहक जितने भौतिक अध्ययन हैं उन्हें पुस्तकालय वर्तमान में भावी छात्रों एवं शिक्षकों के उपयोग हेतु संरक्षित रखता है। ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विस्तार सेवाओं का अधोलिखित निम्न है। पत्राचार पाठ्यक्रम, पौढ़ शिक्षा का आयोजन, पूर्णाचार्य पाठ्यक्रम, प्रस्ताव व्यवस्था तथा मांग के अनुसार अन्य संस्था एवं संगठनों का मार्गदर्शन करना। दोस्तों, पुस्तकालय विश्वविद्यालय को उपरोक्त विस्तार सेवाओं का सफलतापूर्वक संचालन हेतु संबद्ध लोगों से अपेक्षित प्रलेख, सूची, ग्रंथ व अन्य सूचनाएं प्रदान करता है। फोर्थ नंबर में क्या है, सैद्धांतिक तथ्य और व्यवहारिक का रूप प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय उन तथ्यों का वर्णन करता है जो शोध परिणामों का व्यवहार जीवन उपयोग हेतु विश्वविद्यालय उसकी व्यवस्था और विस्तार करता है। पुस्तकालय इस कार्य में विश्वविद्यालय का सहयोग प्रदान करता है। अब दोस्तों, ये जो इसके बाद का जो टॉपिक है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य, यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो विश्वविद्यालय के कार्य के बारे में पूछा जाएगा, उद्देश्य के बारे में पूछा जाएगा और एक डिफिनेशन पूछा जाएगा। तो डिफिनेशन तो हम लोग ऊपर कवर कर चुके हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं एक्सप्लेन भी ठीक से कर दूंगा, क्योंकि इसके पहले का जो टॉपिक था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं लिख सकते हैं, बस नॉलेज के लिए आप ये वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रमुख कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों में सहयोग प्रदान करना होता है। उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालय सभी कार्यों का संपादन में पुस्तकालय प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के मुख्य शैक्षणिक कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, इसका जो कार्य है वो काफ़ी निम्नलिखित है, तो मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज ही नोट करेंगे, और पढ़ाई भी करते हैं तो पॉइंट से पढ़ने में क्या बेनिफिट होता है, देखिए, वो मेंटल बहुत जल्दी याद होता है, और एग्जाम में अगर आप इस तरह से पॉइंट बना के लिखते हैं तो मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है। लेकिन नवीन छात्रों के लिए प्रारंभिक परिचय का कार्यक्रम आयोजित करना, ये सब जो कार्य होता है ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की होती है, ठीक है। ये इतना जो मैं बता दे रहा हूँ, यह पॉइंट देख सकते हैं, ये देखिए, पुस्तक रखने के अलावा भी ये सब कार्य होते हैं, ठीक है। छात्रों में अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए विविध उपाय करना, देखिए, छात्रों को कैसे पढ़ना चाहिए इसका जो उपाय होता है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का ही होता है कि कैसे वो डेवलप किया जाए। पाठकों की समस्या के समाधान हेतु तो आवश्यक मार्गदर्शन और सूचना सेवा का व्यवस्था करना। शोध कार्य का संरक्षण एवं सर्वर्धन हेतु प्रलंघन संबंधी विविध कार्य करना। 5th नंबर में विस्तार सेवाओं का आयोजन करना। 6th में पाठ्य सामग्री का अर्जन तथा प्रस्तुतिकरण करना, जैसे ग्रंथ चयन, वर्गीकरण, सूची आदि। जो भी बुक्स चूज करनी होती है वो एक पुस्तकालय का ही कार्य होता है कि कौन सा बुक इस लाइब्रेरी में होना चाहिए, कौन सा बुक की आवश्यकता यहाँ के पाठक को अत्यधिक होती है, ठीक है। कोठारी शिक्षा आयोजन ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य बताते हैं। शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई जाने वाली विभिन्न विषयों के HOD, जिसे विभाग अध्यक्ष कहते हैं, HOD तो आपको पता ही होगा, फुल फॉर्म हेड ऑफ डिपार्टमेंट, के सहयोग से पुस्तकालय का विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम बनाना बनाना जिसके उसकी सही उपयोग हो सके। केंद्रीय पुस्तकालय विभागीय पुस्तकालय तथा अध्ययन गोष्ठी पुस्तकालयों, जिसे सेमिनार लाइब्रेरी के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता तथा शोधार्थियों को यथेष्ट सहायता देता है। विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के लिए चुने गए अथवा क्षेत्रीय महत्व के विषयों में शोध कार्य के लिए आवश्यक साधन तथा सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों, ये सब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य हैं, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। अगर शायद आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कुछ तेज बोल रहा हूँ या स्पीड बोल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल पॉज करके यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर धीरे बोलूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, जिससे
मुझे लगता है कि आप लोगों को देखने में शायद कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है। लेकिन ना दोस्तों, इसके बाद का जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैं, पब्लिक लाइब्रेरी, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें इतना लॉन्ग टॉपिक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से आप स्क्रीन में देख के भी बिल्कुल आप मदद ले सकते हैं, आप उसे नोट्स बना सकते हैं, मेरे ऑडियो सुन सकते हैं और नोट्स बनाने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? पुस्तकालय में ऐसा साहित्य संग्रहित करना जिसका आयोग शैक्षणिक कार्यक्रम तथा प्रयोगशाला शोध में किया जाता है। ऐसे साहित्य द्वारा प्रधानाध्यापकों तथा छात्रों की पुस्तकालय आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। फिफ्थ नंबर में है विश्वविद्यालय से संबंध प्रत्यापकों से संबंधित विषय क्षेत्रों में विकास के रूप में संबंध सूचित करना। दोस्तों, मैं यहाँ से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। और ये अभी एग्ज़ाम में देखिए, जो लोग जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी तक तो डेट क्लियर नहीं हुई है, बट वो एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। हो सकता है मे बी, देखिए एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी ये 2-2-1 चल रहा है, अभी हम लोग को कंटिन्यू टोटल इसके अलावे 8 पेपर और पढ़ना है, मतलब टोटल 9 पेपर होते हैं। और जो जनवरी सेशन के हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं, वो खुद से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, मेरे वीडियो से भी आप देख सकते हैं। तो जो अभी जनवरी सेशन के लिए उनका तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट जो अभी जून में है तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो इसलिए मेहनत करनी होगी क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, मैं समस्या का बिल्कुल समस्या को समझ रहा हूँ। तो अभी वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। देखिए, पुस्तकों एवं विद्वानों ने एक दूसरे को निकट लाना ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न करता है जिससे वैधानिक जिज्ञासा उत्तेजित हो, अन्वेषण की प्रवृत्ति जागृत हो तथा अध्ययन उत्साहवर्धक हो। अब सेवाएं, देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर क्वेश्चन में आता है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सेवाएं क्या है, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं उपयुक्त कार्यों के साथ साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपने पाठकों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है। अब वो क्या क्या सेवाएं प्रदान करती है वो हम लोग देख लेंगे। एक, विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों कि जितना भी आप टॉपिक में बताए हो उसे पॉइंट में एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि पॉइंट के बारे में अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे तो वहाँ पे आप पॉइंट में, आपको टीचर भी बताए होंगे कि पॉइंट में लिखने से ज़्यादा बेस्ट मार्क्स आती है, और ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है? देखिए, पुस्तकालय दीक्षा सेवा, पुस्तकालय खोजने के लिए सूची आयोग विविध समझाना, पुस्तकालय लेन देन सेवा, सामान्य तथा विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना, साहित्य खोज, पाठक परामर्श, दर्शनी सेवा, संदर्भ सेवा, सामयिक अभिव्यक्ता सेवा। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर से आप देख लें दोस्तों। और इसे आप एक एक करके नोट्स करते जाएं, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, बस एक टॉपिक आप लोगों को जान जाना है, ठीक है? लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक होगा पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि वो एक ही पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन कई बार आए हैं, आप प्रीवियस पेपर में भी देख सकते हैं, ठीक है? देखिए, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढांचा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। देखिए, केंद्रीय पुस्तकालय एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। देखिए, एक लाइब्रेरियन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लाइब्रेरियन का क्या रोल होता है एक लाइब्रेरी में, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। पुस्तकालय के संगठन और प्रबंधन का सारा दायित्व तो पुस्तकालय अध्यक्ष पर होता है। इन्हें निर्धारित नीतियों के अनुसार पुस्तकालय का व्यवस्थापन करना होता है। तो एक बार आप फिर से स्क्रीन देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रही है। शायद ये मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है शैक्षणिक लाइब्रेरी का, जो भी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें एक्सप्लेनेशन फिर से करना चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके आप बिल्कुल बताएं, मैं वहाँ पे बिल्कुल सभी का रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप हमें बताएं कि क्यों अच्छी नहीं लगी, कारण। मैं जानता हूँ कि इसमें एक्सप्लेनेशन के कारण आपको काफ़ी परेशानी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है, अगर है तो आप बताएं। और दूसरी बात दोस्तों, कि आप नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें, नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार वीडियो देखने से भी, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो अगर आप बहुत अधिक एक ही वीडियो को 2-3 बार देखते हैं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो बिल्कुल देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप दूसरे के वीडियो भी देख सकते हैं, अगर वहाँ से आपको अच्छी नॉलेज मिलती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नॉलेज कहीं से भी लें, सभी जगह बेस्ट नॉलेज दी जाती है। सिर्फ दोस्तों मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे आप सजेशन ज़रूर दें और आप उन लोगों की हेल्प करें जो हिंदी मीडियम में लाइब्रेरी की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।